you can be a state for me, that you all people are here to see our institution, to see our progress, to see our efforts. And I would like to talk to you in Urdu because I have to tell you a lot of things for which it is required that you fully understand it. So, मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जिंदगी एक सफर का नाम है, मुसलसल एक सफर करने का नाम जिंदगी है। इसमें रुकाव जब आ जाए तो जिंदगी अपनी मानी खो बैठती है। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो मरने तक वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल में होता है। यही जिंदगी का हासिल है। इसमें अगर रुकाव आ गया तो इस स्टेज पे जब बच्चा पहुंच जाता है तो यहां पर आजकल हम देखते हैं वो पुराना जमाना नहीं रहा, मीडिया की वजह से और इन साइंसी इजादात की वजह से दुनिया बहुत अच्छी बन गई है, बहुत ही ज्यादा। और यही जो पहले मैंने बात की थी कि जिंदगी मुसलसल चलने का नाम है, तो इस चलने की वजह से इतने हमारे जिंदगी में इजादात और इतने तरीके सामने आ गए। एक जमाना था कि हम जो टेलीग्राम करते थे, टेलीग्राम के साथ जिसको बच्चों में तार बोलते थे, यानी थे तार, वो तरीका क्या होता था, एक बंदा कराची में है, सऊदी अरब में है, अब यहाँ पर उस मशीन से आप टाइप करते और वहां पर उसको एक पर्ची सी मिल जाती, जस्ट लाइक अ फैक्स। फिर उसकी डिजाइन तब्दील हो गई, फैक्स मशीन आ गई। अगर यहाँ पर इंसान रुक जाता कि बस और ये सफर अभी खत्म नहीं हुई, ये अभी जारी है, पता नहीं आगे बढ़ने क्या होगा। स्पीड लाइट तक साइंस के टीचर बैठे हैं, उनको ज्यादा पता होगा, हम तो सुनी सुनाई बात है, हम अपने आप को बताओ क्योंकि आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ साइंस सब्जेक्ट। ये सुना है कि लाइट की रफ्तार जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और इस स्पीड को अब साइंस बोल चुकी है कि इस पर वो किसी चीज को थ्रो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनको ये आता है कि स्पीड पर जब आप किसी भी वजन को, किसी भी बॉडी को आप थ्रो करेंगे तो उसका मास इतना बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा। एक वक्त था कि आप वीसीआर, आपको याद होगा वीसीआर, आप फिल्म देखते थे या कोई प्रोग्राम देखते थे, एक तो वो सारे अलग, ये तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आपको एक वीडियो मिलती थी। लेकिन हम बड़े खुश थे कि भाई एक ऐसी मशीन आ गई है जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं, पैदा किए हैं उन वेव्स को सफर करके साइंसदानों ने क्या कर लिया। आज ये हम वीडियो रिसीव करते हैं, आप ऑडियो रिसीव करते हैं, हम बहुत सारे काम इससे करते हैं, मोबाइल को देखें। यानी एक चीज जो ऑलरेडी बनी हुई है, अवेलेबल इन द मार्केट, फिर भी जब आप उसमें सोचते हैं तो आपके अकल में वो चीज नहीं आती कि इतने बंदे तो हम बैठे हैं, हर एक जेब में अलग अलग मोबाइल है, हर एक का अलग अलग नंबर है, और जब भी वो कोई नंबर मिलाता है इस हवाले के लिए सिर्फ उसी का कमांड जो है हो जाता है। तो वही आपकी जिंदगी का एक रास्ता मुतायन कर रहा है, वो एफएससी का काम है। और इसीलिए इस एफएससी को आपकी जिंदगी में बहुत 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 इंपॉर्टेंस हासिल है। ये वक्त गुजारने के लिए सबसे मुकद्दस तरीका है, सबसे मुकद्दस रास्ता है जो पैगंबर होता है पढ़ने और पढ़ाने का। पैगंबर का क्या मुकाम क्या होता है, वो टीचर होता है, हमें रास्ता दिखाते हैं, ये करना, ये ना करना, इस तरह जिंदगी गुजारना, ये तमाम तरीके वो भी है टीचर होते हैं। तो जनाब इस सूरत हाल में जब आप अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, आप सोचें अब इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए दौड़ने और भागने और चूकने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको जो चीजें दी है वो बराबर दी है, किसी किस्म की उसका इंतजार नहीं है। अब उन चीजों से प्रॉपरली काम लेना ये आपके बाजू पर है, आप उसे
किस तरह काम लेते हैं। एक बंदा कहता है, नहीं यार मेरा जहन कमजोर है, चीज को समझने की कोशिश नहीं करते, हम वो पुराने तरीकों से रटा लगाते। जनाब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका रटा नहीं लग सकता। आप रटा लगाते हैं, इतनी इतना सवाल आपने याद किया कि याद कर पहुंच गए, बाकी भूल गए, क्या करोगे। स्टाफ मेंबर जो है वो एलिजिबल है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हमें बाहर से किसी को लाने की जरूरत नहीं। और तमाम मास्टर्स इन दियर सब्जेक्ट्स, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और उनका सब्जेक्ट बीएससी है, बीएससी तक वो पढ़े हैं, बाकी नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं। और स्कूल या कॉलेज लेक्चर इन पाकिस्तान का सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है, और पॉलिटिकल साइंस जो कि आपके सब्जेक्ट में तो नहीं है, बट द वेरी क्लोजेस्ट सब्जेक्ट इन योर कोर्स है पाकिस्तान स्टडीज, तो वो सर पढ़ाते हैं और यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जो कि जब से भी मैं यहाँ आया था, लास्ट टाइम भी जो यहाँ पर थे, इससे पहले भी, इनका एक्सपीरियंस कोई 10 साल इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, बहुत अच्छे इंसान है, यंग है, एनर्जेटिक है। और इसके साथ साथ हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी, तो बादशाह भाई साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आ जाए। सर गॉट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस और बहुत अच्छे लेक्चरर मैथमेटिक्स में मास्टर, तो जनाब से रहमान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए और मास्टर इन एमएससी इन फिजिक्स, इन फिजिक्स इनका सब्जेक्ट है, यहाँ पर एज अ चीफ डॉक्टर काम करते हैं, अराउंड अबाउट 6-7 ईयर्स इनका एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मिलनसार और बहुत नरम दिलने वाले हैं। और अभी हम आहिस्ता आहिस्ता से साथी का काम ले रहे हैं, इसीलिए चीफ डॉक्टर। बायोलॉजी के जो टीचर हैं वो शायद आप जानते भी हो, अताउर रहमान साहब पीएचडी वो कर रहे हैं, जस्ट 2-3 महीने बाकी है तकरीबन, वो कंप्लीट कर चुके हैं। आजकल वो यूनिवर्सिटी को 2 क्लासेस के लिए जाते हैं, तो इसीलिए अभी पहुंच ना पाए, इंशाल्लाह सुन आपसे मैं उनका तारुफ कराऊंगा। अताउर रहमान साहब है, उनका 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है और पीएचडी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर साहब जो हैं वो बहुत ही काबिल हैं, उनके भी 5-6 साल एक्सपीरियंस है और केमिस्ट्री उनका सब्जेक्ट है, मास्टर इन केमिस्ट्री, जनाब के साथ, जनाब के साथ साहब यहाँ पर हमारे साथ एज आ हॉस्टल मॉडल भी है और माशाल्लाह उनके तरीके के अलावा आप देख भी चुके हैं एज अ स्टेज सेक्रेटरी, यहाँ पर उन्होंने शुरू किया था बड़े जबरदस्त अंदाज में, और इंग्लिश उनका सब्जेक्ट है, जनाब अतीकुर रहमान साहब लेक्चरर इन इंग्लिश, उनका भी 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है और ही कैन फेस अ क्राउड, दिस इज अ वेरी गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ टू फेस द पीपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसीलिए तो हर जगह पर ये प्रेजेंटेशन का है। वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है जोश है ईमानों में, वतन हम है तेरी शम्मा के पर...